हर साल की तरह इस साल भी असलम सेठ द्वारा मलाड मस्ती का आयोजन किया गया और जैसे हर साल लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ठीक उसी तरह इस साल भी मलाड मस्ती आयोजित किया गया और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मलाड मस्ती का आयोजन इनॉर्बिट बैक रोड मलाड वेस्ट में किया जाता है। यह रविवार को सुबह 7 से 10 बजे तक रहता है और इसमें लोग सुबह सुबह आते हैं और शामिल होते हैं। मलाड मस्ती में तो लोग शामिल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए इसमें कुछ कलाकार भी शामिल होते हैं। उसी तरह इस साल भी लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए मशहूर कलाकार चंदन जुबैर और अयान जुबैर, बख्तियार ईरानी, शिरीन वर्गीज जैसे मशहूर कलाकार मलाड मस्ती में पहुंचकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। और साथ ही आज मलाड मस्ती का फर्स्ट डे था और इतनी मॉर्निंग में जो लोगों का क्राउड है, जो लोगों की मस्ती देखने को मिली, कितना एंजॉय कर पा रही है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हमेशा से मलाड मस्ती के बारे में सुना था और यहाँ मैं अटेंड कर रही हूँ, वो भी फर्स्ट संडे आज, तो दिख रहा है मुझे कि लोग कितने ज़्यादा खुश, एक्साइटेड हैं और कितने फ्रेश हैं और कितने अच्छे से मस्ती में अटेंड कर रहे हैं। सो मॉर्निंग में आप ऐसे भी उठना पसंद करते हैं या फिर आज मलाड मस्ती के नहीं? तो मॉर्निंग में तो उठती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लेट उठती हूँ, लेकिन इतना भी मॉर्निंग में मैं नहीं उठती हूँ, जैसे आज मुझे 6 बजे उठना पड़ा तो इतना मॉर्निंग में भी नहीं उठती हूँ मैं, बट मैं से लेट भी नहीं उठती हूँ। एक काइंड ऑफ डिपेंड्स कि मैं रात को कितने बजे सोई हूँ, तो मैं उस हिसाब से सुबह उठती हूँ। बहुत मज़ा आता है इधर। सबसे पहले हम तो करते रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। जितने भी बच्चे बम्बई के जो भी आसपास से आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया होता है कि कहीं पर किक बॉक्सिंग हो रहा है, कहीं पर स्केटिंग हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो यस इट्स अमेजिंग फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और जिस तरह से असलम सर यूथ का ध्यान रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल कोई करता नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन आप देखेंगे कोई करता नहीं है। अब रुक जाना भाई, ये देखना क्या हो रखा है, रुकना, आ रहा हूँ तेरे पास गुरु, आई लव यू भाई ब्रो। हाँ, जोश तो मतलब मुझे ओवरलोडेड लगा, एंड ट्रस्ट मी, मुझे इतना मज़ा आज तक कभी नहीं आया जितना मुझे क्राउड की एनर्जी को देख के फील हुआ। बिकॉज देखो क्या होता है ना, जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो क्राउड की एनर्जी हम लोग अब्जॉर्व कर लेते हैं, एंड जो हीट होती है ना, सो दैट ऑल आर मिक्स टुगेदर एंड देन इट कम्स आउट। तो उस वे से अगर देखा जाए तो बहुत कमाल रहा, माइंड ब्लोइंग रहा, एंड बहुत मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, मलाड और मस्ती और ये ओकेजन एक्चुअली मलाड में। अर्ली मॉर्निंग जब आप एक स्टेज पर पहुंचते हो, वहां पर एक क्राउड है और एक्चुअली सुबह सुबह उठने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद एक्चुअली यू गेट सो चार्ज, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, इतने सारे लोग होंगे तो आई थिंक हम लोगों ने इमेजिन ही नहीं किया था, एंड आई एम ग्लैड मलाड इज फुल ऑफ मस्ती, गुड। मैं ऑलरेडी, ये मेरा सेकंड टाइम है, नॉट फॉर मलाड मस्ती, लेकिन इसी स्टेज पे हम लोग आए थे बिग बॉस प्रमोशन के लिए, सो आई जस्ट फील कि ये गली में कुछ वाइब है, ये मलाड एरिया में कुछ वाइब है, क्योंकि यहाँ यूथ जो है 18 से 24 के बीच में जो लोग हैं, या 15 से 24 के बीच में, दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ मलाड, सो आई जस्ट फील दैट जहाँ यूथ है वहाँ ये फेस्टिवल्स और इवेंट्स ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि सुबह सुबह है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतने ज़्यादा जोश मुझे कहीं देखने को नहीं मिलता, तो मलाड मस्ती में देखने को मिला है। पिछले साल भी मैं आया था, तब भी ऐसे ही मतलब जोश था लोगों में, और बच्चे से लेके बूढ़े तक हर उम्र के लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे थे। आज भी वही देख रहा हूँ, आप खुद देख सकती हैं पीछे कितना शोर मच रहा है, पीपल आर एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। वेल, मलाड मस्ती में आके, मतलब ये मलाड मस्ती जो नाम दिया है फर्स्टली, वो इतना करेक्ट दिया है कि इतना मस्ती है ऑल अराउंड द प्लेस। पहले हम वहाँ पर गए थे जजिंग करने के लिए, तो वहाँ पर जो लोगों ने अपना टैलेंट शोकेस किया, इट इज़ सो अमेजिंग, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, इट्स नॉट जस्ट इन एंड अराउंड मलाड कांदिवली, इट इज़ फ्रॉम दादर एंड कहाँ कहाँ से, एंड दे आर सो गुड। तो हैड ग्रेट टाइम यहाँ पर, मलाड मस्ती एकदम वाइब्रेंट होता है, यहाँ का माहौल बहुत ही मज़ा आता है, इवन यहाँ का जो क्राउड है, ये एटमोसफियर, आई मीन वेर एवर वी गो, वेर एवर वी परफॉर्म, बट दिस एटमोसफियर वी नेवर गेट, एंड मलाड मस्ती रॉक्स। और मैंने देखा कि वो बाप रे बाप, इतना क्राउड फर्स्ट डे इनॉग्रेशन और इतना क्राउड, आई मीन आई वॉज जस्ट शॉक्ड।